जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का तांडव देखा जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। आए दिन लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। तापमान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 50 डिग्री के पार पारा जा चुका है। और इस बीच अधिकारियों ने बताया कि इस बार गर्मी के मौसम में अब तक 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रचंड गर्मी ने पूरे देश में 100 से ज्यादा जीवन ले लिए, जबकि पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से भारी बारिश से बाढ़ से जूझ रहे हैं। 1 मार्च से 18 जून के बीच हीट स्ट्रोक के 40,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए और कम से कम 110 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं अब इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क हो गया है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ हीट वेव पर चर्चा की और सभी अस्पतालों को हीट वेव को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए। मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके ये जो हीट वेव है इसका भी चर्चा की इसके बारे में, और केंद्र सरकार ने इसके बारे में सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है। और हमने सभी अस्पतालों को कहा है, पब्लिक या प्राइवेट, सभी हीट वेव को टॉप प्रायोरिटी दें और हीट वेव से आए हुए पेशेंट्स की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था करें। मैंने अपने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जितने सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंट्रली मैनेज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में खुद अधिकारी जाकर के दौरा करके देखें कि उनकी अलग से व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। और स्टेट्स को हमने डायरेक्शन भी दी है और उनको हमने एडवाइजरी दी है कि वह देखें कि उनके प्रदेश में सारे स्टेट्स और सारे हमारे सभी स्टेट्स में जो पब्लिक में और प्राइवेट में हॉस्पिटल चल रहे हैं वो हीट वेव के लिए स्पेशल व्यवस्था करें। मैं यहां ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे जनता है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समय लिक्विड डाइट्स पर विशेष करके ध्यान दें। वो मैं सजेस्ट करूंगा कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए पानी का बहुत उपयोग करें। साथ में कोई नारियल पानी या अन्य तरीके के हम जो भी लिक्विड डाइट्स ले सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह अभी के समय की आवश्यकता है, यही मैं उनसे निवेदन करूंगा। अब तक 40,000 हीट स्ट्रोक के केस भी सामने आ चुके हैं। प्रचंड गर्मी के कहर से लोग जूझ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो तापमान है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ले तो लू की चपेट में लोग आ रहे हैं और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी काफी सतर्क और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई? कांता जी, तो दिल्ली में जानलेवा गर्मी है जिसके कारण अब तक 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पे तकरीबन अब तक 24 घंटे में 13 मरीज भी बढ़ चुके हैं। अच्छा अशोक, अगर जिस तरीके से बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी क्रम में जेपी नड्डा ने भी आज अधिकारियों से चर्चा की है और अस्पतालों को भी कई निर्देश दिए हैं, तो क्या लगता है सरकार की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो आकांक्षा जी, सरकार की तरफ से भी काफी अहम कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब सरकार ने भी गर्मी को लेकर काफी चिंता जताई है और लोगों के लिए साथ ही साथ काफी सारे अलर्ट जारी करे हैं। डॉक्टरों का भी अगर बात करें तो उनका कहना है कि अगर घर से निकले तो डिहाइड्रेट रहते रहे, जिस तरह से दिल्ली में लोगों की गर्मी कैसे जान जाती है नजर आई है। वहीं शुभ, अगर बात करें तो मॉनसून की एंट्री में इस बार काफी देरी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे कि अभी भी 3 से 4 दिन का समय लगेगा मॉनसून को पूरी तरीके से कई राज्यों में आने के लिए। दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है, बीते दिनों की बात करें तो आंधी का दौर भी देखने को मिला था, तो मॉनसून की एंट्री कब तक हो सकती है? जी आकांक्षा जी, बिल्कुल, बात करें तो राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से जो मौसम में बदलाव देखने को तो मिले हैं लेकिन उतनी बारिश देखने को नहीं मिली है। तूफान हो रहा था लेकिन उसके साथ कोई बारिश थी या फिर तूफान आने की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी बहुत बारिश जो है दिल्ली में होती दिखी लेकिन जिससे जो बारिश हुई थी दिल्ली में उससे दिल्ली वालों को राहत नहीं थी क्योंकि परेशानियां लोगों की बढ़ गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तो जमीन जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म जमीन होती है उस पानी पड़ता है तो वो गर्म हवा देती है जिसके से लोगों को और ज्यादा परेशानियां हो रही हैं।
ठीक है शुभ सिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार लोग लू की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो हाल ही के समय में करीब 11 लोगों की गर्मी की चपेट में आने से मौत होने की भी खबर सामने आई है।